जोशी एक ऐसे ब्लॉगर जो हमें ब्लॉग के नाम पे अपने घर की छोटी मोटी दास्तानें दिखाते हैं। अगर ये इस तरह का ब्लॉग बनाकर फेमस हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। म्यूजिक ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजाक और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को मजाक के तौर पे लो एंड किसी को भी जाके हेट ना करे। लेकिन फिर भी अगर कोई हर्ट होता है तो डिस्क्लेमर को फिर से पढ़ लेना। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है देश संकट में है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सिर्फ टाइटल पढ़ के वीडियो को डिसलाइक करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों को रोस्ट करने वाला हूँ जिन लोगों ने सौरव जोशी को रोस्ट किया है। अरे हम बात करने वाले पीयूष के बारे में। जी हाँ, पीयूष के बारे में। वही पीयूष जिसका सौरव भाई अगर चैनल पे उतना ही आता है जितना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाप का। अबे साले, सबसे पहले मैं आपको सौरव जोशी के बारे में बता देता हूँ कि ये है कौन, क्यों इतने सारे लोग इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सो बेसिकली एक ब्लॉगर है एंड ये अपने फैमिली के साथ मिलके व्लॉग बनाते हैं। एंड हुआ कुछ ऐसा कि ये पिछले 2 से 3 महीने में काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं। एंड ये देख के काफी सारे लोगों की जल गई, मतलब इन लोगों की इतनी जल चुकी है कि अब इनके ऊपर बैक टू बैक रोस्ट वीडियो बनाते जा रहे हैं। इन लोगों के चैनल पे सिर्फ 1000-2000 सब्सक्राइबर है, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने के बाद 50,000 से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के अंदर। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको रोस्ट कर रहा है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन तुम उसके सक्सेस को देख के उसको रोस्ट कर रहे हो, वो भी बिना लॉजिकल पॉइंट्स के, तो भाई हम यहाँ पे बैठे हैं तुमको रोकने के लिए। पीयूष जिसका सौरव भाई अगर चैनल पे उतना ही आता है जितना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बाप। इस बंदर बुद्धि को लगता है कि सौरव जोशी के चैनल के सक्सेस के पीछे उसका भाई का हाथ है। मतलब रिकॉर्डिंग ये करता है, एडिटिंग यही करता है, अपलोड भी यही करता है, दो चैनल को मैनेज भी करता है, लेकिन इसके सक्सेस का क्रेडिट इसके भाई को मिलता है। अब और सुनो। अच्छा, नहीं वो क्या है ना, टाइटल और थंबनेल देख के लग रहा था कि पीयूष का चैनल है, लेकिन नहीं, यह हमारे सौरव जोशी का चैनल। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ये बंदर बुद्धि ये बोल रहा है कि सौरव जोशी हमेशा से उसके भाई का फोटो डालता है अपने थंबनेल पे, एंड इसीलिए इसको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चैनल सौरव जोशी का है या उसके भाई का। अब इस हिसाब से तो तेरा चैनल सौरव जोशी का हो जाना चाहिए, क्योंकि तेरा एक ही वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज लेके आया है जिसपे 50,000 व्यूज है एंड उसके थंबनेल एंड टाइटल में सौरव जोशी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर खुद का घर शीशे का बना होता है तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। करवा ली ना बेइज्जती। उनका सेकंड चैनल भी है सौरव जोशी आर्ट्स, लेकिन उसमें तो व्यूज नहीं आते यार। अबे यार, ये लड़का लिटरली पागल है यार, इतने सारे व्यूज तो तेरे सामने ही दिख रहे हैं। अगर तेरे को फिर भी ये व्यूज कम लग रहे हैं ना, तेरे को और मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। वो खुद ही देख सकता है कि सौरव जोशी के सेकंड चैनल पे भी कितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड तेरे पूरे चैनल के व्यूज को काउंट करने के बाद भी इनके एक वीडियो के कंपैरिजन में भी तेरे ज्यादा व्यूज नहीं होंगे। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। ये 1 मिलियन स्पेशल वीडियो थी उनके लिए, क्योंकि अब काफी रोस्ट बनने वाले हैं, तो मैंने भी एक सिंपल सा छोटा सा रोस्ट बना दिया जिसमें ऑफेंड होने की कोई बात ही नहीं है। म्यूजिक एंड एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगी, इसके चैनल पे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर है लेकिन उसके वीडियो पे 11000 डिसलाइक है। सो इसको रखते हैं अब साइड में, अब बात करते हैं हमारे अगले बच्चे के बारे में जो कि रोस्टर है। तो आज हम रोस्ट करने वाले सौरव जोशी, और आप कह सकते हो कि एक छोटा सा रोस्टर लेके आ चुका है बहुत बड़े ब्लॉगर की रोस्टिंग। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तो तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इस बच्चे के अभी दूध के दांत टूटे भी नहीं है एंड ये चला है रोस्ट करने। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड अगर आई है तो लाइक जरूर कर देना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख ही रहे तो आपको पता होगा कि मैं सौरव जोशी के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। सो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।